अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूँ सारा अहमद, आप सब लोगों के साथ एक बार फिर अपने YouTube चैनल साराज आर्ट में। और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के तवसुत से आप लोगों को वो तमाम तरह चीज़ें सिखाना चाहती हूँ जो कि आपके लिए एक फ़ायदेमंद और कारामद साबित हों, जिससे आप सीख कर कुछ अपने लिए बना पाएँ या अपने प्यारों को गिफ्ट देना चाहें तो वो आप दे सकें। और मैं मुख्तलिफ़ चीज़ें बनाना आपको सिखा चुकी हूँ। आज जो हमारी वीडियो बन रही है वो है एक ग्लास बॉटल को किस तरह से हमें सारे इस पे कवर करना है और हम क्या बनाने जा रहे हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी आज की इस वीडियो में। मेरी एक पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा कि किस तरह से ग्लास बॉटल को मैंने जूट से पूरा रैप किया है, लेकिन मैंने सोचा कि क्यों ना ये वाली वीडियो जो बन रही है उसमें भी आपको एक बार और सिखाया जाए, ताकि आपको जहनशीन हो जाए और आपको याद आ जाए कि किस तरह से आपने पूरी बॉटल को कवर करना है। बहुत सिंपल और बहुत स्वीट अंदाज में बनती है, और जिस जगह पे हम इसको एज अ डेकोरेशन रखते हैं वो जगह पे इसका बहुत अच्छा लुक आ जाता है, तो और हमारे डेकोर का पूरा जो है वो एक अच्छा सा एटमॉस्फेयर बन जाता है। और अगर मैं जो हम इस पे काम करने वाले हैं वो हमारे गार्डन साइड पर हो या कहीं जहाँ हमने कुछ फाउंटेन सा बनाया हुआ हो या कुछ हो तो वहाँ पे भी रख दें तो इसका बहुत अच्छा लुक आ जाता है। तो जो चीज़ हमें फिल वक्त चाहिए होगी वो एक ग्लास बॉटल चाहिए, क्योंकि मैं फेयर बनाऊंगी। फिल वक्त मेरे पास एक मैंने यहाँ रखी है। इसके बाद हमें चाहिए होगा कुछ ये सुतली, जिसे हम आम उर्दू में या कहते हैं, या लेने जाएँ क्राफ्ट शॉप पे तो उसको सुतली कहते हैं। और इसके अलावा हमें चाहिए होगा वाइट जर्मन ग्लू। वाइट जर्मन ग्लू देख सकते हैं आप, मैंने अभी यहाँ प्लेट में निकाल के रखा है। वो किसी भी अपनी रफ़ प्लेट पर इसको निकाल के रख दें ताकि जो है आप उससे बआसानी काम कर पाएँ। ग्लास बॉटल जो ये एक पानी की बॉटल है, और मैंने इसको अच्छे से वॉश कर दिया है। स्टिकर्स मैंने नहीं उतारे क्योंकि मुझे इस पे सारा जो है वो कवर ही करना है, और ये जो स्टिकर्स लगे हुए हैं उससे नज़र तो आना नहीं है, तो फिर मैंने इसको नहीं निकाले। और ग्लास बॉटल बनाने के लिए पहले हम सबसे पहले इस पे लगाते हैं ग्लू, और थोड़ा सा भर के लगाते हैं ताकि जो है वो इस पे अच्छे से जो हमारी सुतली है, जो हमारी डोरी है जूट की, वो आराम से इस पे चिपक जाए। ठीक है जी, ये इस तरह से देख सकते हैं आप, ये सारा यहाँ पे हम लोगों ने ग्लू लगा दिया। और आगे हम क्या करेंगे, जब यहाँ पे ये ग्लू लग गया है हमारा सारा, इस तरह से हम एक लेवल करते हुए यहाँ पे हमने ग्लू लगा दिया। और जो हमारे हाथ हमने ख़राब किए हैं उसको हम रफ़ कपड़े से साफ़ कर लेते हैं। जूट को थोड़ा सा खोल लेंगे ताकि हमें लगाने में आसानी हो जाए। और इस कॉर्नर को रखते हुए देखें, लाइक ये इस तरह से यहाँ इसको हमने रखा। आई होप कि आपको नज़र आ रहा हो। यहाँ रखने के बाद और हम इसको इस तरह से घुमा देते हैं। ठीक है जी, ये इस तरह से हमने इसको घुमा दिया, और फिर इसको यूँ रखते हुए पूरी बॉटल को हम इस तरह से कवर कर देंगे। ठीक है जी, ये इस तरह से हम पूरी बॉटल कवर कर देंगे, और जैसे जैसे हम इसको गोल घुमाते जाते हैं ये हमारी डोरी ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ आ जाएगी। आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये आ रही है नीचे की तरफ, और इस तरह से हमारी ये पूरी बॉटल कवर हो जाती है। ठीक है जी, ये देखिए इस तरह से हमने हमारी पूरी बॉटल को कवर कर देना है। ठीक है जनाब, ये इस तरह से हो गई, और जहाँ तक हमने ग्लू लगाया था वहाँ तक ये इसमें लग चुकी है। और अब हम मज़ीद ग्लू लगाते हैं और इसको पूरा मुकम्मल करते हैं। देखिए जी, ये इस तरह से पूरी हमने यहाँ पे इसको मुकम्मल कर दिया। थोड़ा सा इसको टाइट अगर करना चाहें तो हम वो भी कर सकते हैं। सही है जनाब, ये इस तरह से हम पूरा इस बॉटल को कवर करेंगे, और मैं आपको दिखाती हूँ कि पूरी बॉटल कवर करने के बाद किस तरह की ये लगती है। तो जनाब, इस तरह से हमने हमारी पूरी बॉटल को रैप कर दिया, और अभी आपको यहाँ से नज़र आ रहा होगा कि कुछ वाइट वाइट सा ग्लू नज़र आ रहा है, थोड़ी सी जगह या शीशे जो नज़र आ रहा है हम उसको थोड़ा सा टाइट भी कर सकते हैं, लाइक ऐसा कुछ पकड़ के यहाँ से
और हम इसको ये ऊपर की तरफ करेंगे तो ये थोड़ा सा और भी टाइट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और थोड़ा सा ये यहाँ पे जो रुआ निकल रहा है उसके लिए हम करते ये हैं, यही ग्लू हाथ में लिया थोड़ा सा इस तरह करके, और हम इस पर हल्के हल्के हाथ से फेर देते हैं, तो ये जो हमारा ये इस पर रुआ निकलता हुआ नज़र आ रहा है वो जो है वो इसके साथ चिपक जाता है और ये बैलेंस हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो इस तरह से हमने हमारी एक बॉटल कंप्लीट की है, और इस तरह से हम मैं अपनी दूसरी बॉटल भी कंप्लीट करूँगी, और इसको 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छे से ड्राई हो जाए, और जब ये ड्राई हो जाएगी तो इसके बाद मज़ीद हमें क्या काम करना है वो मैं इसके ड्राई होने के बाद आपको बताऊँगी कि हम इस बॉटल को मज़ीद खूबसूरत किस तरह बना सकते हैं, क्या चीज़ हम लगाने वाले हैं वो उसके लिए थोड़ा सा इसके ड्राई होने का हमें वेट करना पड़ेगा, और फिर मैं आपको बताती हूँ कि आगे हम इसके साथ क्या करने वाले हैं। तो पहले मैंने यहाँ पे 4 शेल लगा दिए हैं, और अब मज़ीद भी हम इसको शेल लगाते हैं यहाँ पे, और डिफरेंट जो हमारे पास हैं, या हम ग्लू ऐसा भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे ग्लू लगा दें और इसको इस तरह पेस्ट कर दें, ठीक है जी। और कुछ ये यहाँ पे लगाएंगे इस तरह, और थोड़ा सा क्रॉस लाइन बनाएंगे ताकि इसका लुक जो है वो अच्छा आए, ठीक है। यहाँ पे ये रखा, इसको यहाँ पे प्रेस किया, जो छोटे वाले भी हमारे पास कुछ शेल हैं उसको भी करते हैं तो वो भी लगाते हैं। ये कुछ यहाँ पे रखा और इसको यहाँ पे प्रेस कर दिया, ये वाला एक शेल है जो थोड़ा सा डिफरेंट है, बल्कि मैं इसको लगाती हूँ ये वाले को, ये यहाँ पे लुक देगा ज़रा सा, ठीक है जनाब। यहाँ पे ग्लू लगाया और इसको यहाँ पे कर दिया पेस्ट। तो इस तरह से हम जितने भी हमारे पास शेल जो हमें मुनासिब लगते हैं यहाँ लगाना वो हम यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है जनाब। इस तरह से फिर यहाँ पे ग्लू लगाया और यहाँ पे इसको प्रेस कर दिया। तो इस तरह से हम सारे जो हमारे हमारे पास ये शेल हैं जो कि मुझे लगते हैं कि यहाँ मुझे लगाने चाहिए और मुनासिब लगेंगे, तो उसको हम यहाँ पे प्रेस करते चले जाएंगे, ठीक है जी। यहाँ पे ये हो गया, इसके बाद हमने यहाँ पे ये लगा दिया। इस तरह से हम अपनी पूरी बॉटल को आप देख सकते हैं कि बिल्कुल अच्छा लुक आना शुरू हो गया इसके अंदर, और हमारे पास जो भी कुछ बचे हुए हैं और यहाँ पे भी जगह कुछ खाली सी लग रही है तो हम यहाँ लगा देते हैं। यहाँ लगाने के लिए, इसको लगाने के लिए हम इसके यहाँ एडजस्ट पे, ठीक है जी, यहाँ पे लगाने के बाद हम एक इसको यहाँ प्रेस कर देते हैं, और ये वाला है हमारे पास तो इसको भी हम यहाँ प्रेस कर देते हैं ताकि ये आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा इसका लुक आना शुरू हो गया और ये कितनी अच्छी बॉटल हमारी बन गई। इस तरह से अभी हमारे पास ये 2 एक और शेल पड़े हैं, लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे ये बहुत इनफ है, बल्कि एक जो है उसको हम यहाँ लगा सकते हैं। तो यहाँ पे ये इसको ग्लू करते हुए हम इसको यहाँ पेस्ट कर देते हैं, ठीक है जनाब। तो इस तरह से हमने हमारी पूरी बॉटल को डिज़ाइन कर लिया, और मैं आपको दूसरी बॉटल भी दिखाऊं तो इस तरह से मैंने दूसरी बॉटल को भी डिज़ाइन कर लिया है। और ये था हमारा आज का प्रोजेक्ट, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये प्रोजेक्ट मेरा ज़रूर पसंद आएगा, और आप सब लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं, जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, और मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।